वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम रियल एनालिसिस की नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं दैट इज़ अ डार्बोक्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। इफ एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो देयर कॉरेस्पॉन्डेंस डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो सच दैट यू एफ बी लेस दैन टू देयर अपर इंटीग्रल and plus epsilon and the lower LFP that will be greater than 2 this lower integral ftx minus epsilon। तो किसी पार्टीशन P के लिए जो कि क्लोज इंटरवल ए बी के, ये देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बहुत सी ईयर्स के अंदर कॉन्टीन्यूसली थ्योरम पूछी जाती है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहले हमें जो पहला पार्ट है हमारा, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव दिस थ्योरम। तो देखिए स्टेटमेंट सबसे पहले आप समझिए कि थ्योरम को, जब भी आपको किसी भी थ्योरम को करना हो ना, तो आप ये समझिए कि उसमें क्या पूछा गया और आपको उसको प्रूव कैसे करना है। बस उसका लेआउट बना लीजिए, उसके बाद थ्योरम के बीच की चीज़ों को भरना शुरू करते हैं। तो देखो इसमें आपको सबसे पहले कहा गया कि एफ एक बाउंडेड फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो यहीं से बात शुरू करेंगे, उसके बाद हम पहला पार्ट ये में प्रूव करना है। देखिए तो अगर मेरे पास लेट कर लेता हूँ कि एफ क्या है, मेरे पास एक एफ इज़ अ बाउंडेड फंक्शन है। एफ इज़ अ बाउंडेड फंक्शन ऑन व्हाट, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। दैट्स ऑल। ये पहली बात हमें पता है। अब देखो बाउंडेड फंक्शन सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि बाउंडेड फंक्शन उसको बोलते हैं जब किसी फंक्शन का अगर मैं मोड लूँ और वो लेस दैन इक्वल टू किसी पॉजिटिव इंटीजर के हो, कुछ भी हो सकता है वो पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी। तो लेस दैन इक्वल टू के एफ मोड एफ एक्स, ये तो होगा ही अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है तो। और ये जो एक्स है एफ के अंदर आया है, ये एक्स आपका कहाँ से लेना है, आपको इस क्लोज इंटरवल ए बी से आपको ये एक्स जो है लेना है। दैट्स ऑल, पहली बात हमने लिखी यहाँ पे। अब देखो दोस्तों पहला पार्ट, मैंने कहा आपको कि पहला पार्ट हमें प्रूव करना है। पहले पार्ट में क्या दे रखा है, पहले पार्ट में आपको ये यू एफ पी लेस देन कराना है अपने इस अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से। ओके तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब इसको बोलते क्या है, आपको ये बात तो सबको क्लियर है कि ये जो लिखा है ए टू बी बार वाला, इसको बोलते हैं जी एल बी ऑफ अपर सम्स। ओके इसको अपर इंटीग्रल भी बोल देते हैं। तो ए टू बी बार एफ डी एक्स जो आप लिखते हैं, what is it, is the GLB of, is the GLB greatest lower bound of the set of upper sum of the set of upper sums। clear बात। अब देखो अब हमने कहा, क्योंकि उसने दिया था एक एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो और एक डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो फॉर दिस, ये एप्सिलॉन यहाँ पे यूज़ करेंगे और डेल्टा मैं आपको बताऊंगा कहाँ यूज़ करेंगे, इसका क्या मतलब क्या है। तो देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो, देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, there exists a partition। और partition को नाम दिया है मैंने, मान लीजिए P1। अब एक्चुअली पता है क्या कर रहे हैं हम, partition किसका होगा, A टू B का ही ना। तो A इज इक्वल टू वट, क्या मान लीजिए एक्स नोट देन एक्स वन, इस तरीके से एक्स टू और कहीं आएगा आपका लास्ट पे मान लेते हैं एक्स पी, दैट मस्ट बी इक्वल टू वट पी। मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ, मैं ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो आपका जी एल बी ऑफ अपर सम्स है जो कि अपर इंटीग्रल है, कोई पार्टीशन P1 के लिए ना, ये जो थ्योरम की जो कंडीशन आपको प्रूव करनी है ना, वो कंडीशन आपकी ये वाली कंडीशन आपको P के लिए प्रूव करनी है। और हम मान के चल रहे हैं कि ये वाली कंडीशन किसी पार्टीशन P1 के लिए ना ऑलरेडी प्रूव्ड है। ये थ्योरम की पहली बात आपको लेट करी है आपने। एफ बाउंडेड फंक्शन है और ये इसको जी एल बी बोलते हैं, ये P1 पार्टीशन ले लिया आपने और आपने बोल दिया कि सच दैट, मतलब आपने ये बोला कि जी P1 के लिए ना ये बात प्रूव्ड है, यानी कि आप इस पूरी थ्योरम की जो आपको प्रूफ चीज करनी है उसमें आप P की जगह P1 लिखिए और जो स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है उसको हू बहू यहाँ लिख दीजिए, ए टू बी बार एंड देन एफ डी एक्स एंड देन प्लस एप्सिलॉन, बात खत्म। ओके और इसी को आप देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब दोस्तों आपने P1 के लिए मान लिया और आपको प्रूव किसके लिए करना है, P के लिए प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, यहां तक समझ में ही बात। अब P1 कहां से आया, P1 का P से रिलेशन क्या है, P1 एक टाइप से आप मान के चल रहे हो कि P की ही रिफाइनमेंट है, तो इसका मतलब इससे इसके पास P से कुछ पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो यू कैन राइट आउट द पार्टीशन, the partition P1 has P+1 points including A and B. अब देखो हम नॉर्मल सी बात है, अगर P पार्टीशन होता तो उसके पास P पॉइंट होते, स्मॉल P पॉइंट होते। अब P1 उसका रिफाइनमेंट लिया आपने, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके पास P+1 पॉइंट होंगे। ये भी एक टाइप से लेट ही किया है, नथिंग एल्स, क्योंकि ये सारी कहानी आपने लेट की है। ओके, उस पूरी स्टोरी में सिर्फ इतनी बात लिखी है कि P1 पार्टीशन के लिए जी थ्योरम प्रूव्ड है और P1 पार्टीशन के पास P1 के पास P+1 पॉइंट होंगे। ओके, अब देखो, अब अगर पार्टीशन लिया है तो आपको एक डेल्टा भी मानना पड़ेगा, वो भी लेट कर लीजिए। लेट डेल्टा बी अ पॉजिटिव नंबर। अब एक डेल्टा मान रहा हूँ, लेट डेल्टा बी अ पॉजिटिव नंबर सच दैट, अब डेल्टा मुझे जिस तरीके से यूज़ करना है ना वैसे मैं मान लेता हूँ कि डेल्टा हमारा कुछ ऐसा होगा जो कि लेस देन होगा, किससे, एप्सिलॉन बाय 4 into k into p-1। ओके, दिस इज़ योर डेल्टा। ये भी आपने लेट ही किया है। और एक चीज़ और लेट करते हैं कि ये जो p है, लेट p बी द पार्टीशन, और ये तो ऑलरेडी हमें पता ही है, इसमें लेट करने वाली बात भी नहीं है कुछ। और ये जो नॉर्म ऑफ p लिखते हो आप, ये मान लेते हैं कि लेस देन क्या है, डेल्टा है। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, ये इस थ्योरम आपकी लगभग प्रूव हो गई। क्या किया हमने, सबसे पहले आपने माना कि f एक बाउंडेड फंक्शन है, उसको लिखो मोड ऑफ f(x) लेस देन इक्वल टू k होगा, और मान लो कि p1 पार्टीशन के लिए थ्योरम प्रूव है, तो p1 पार्टीशन p की जगह p1 लिखो और ये कहानी लिख दो पूरी की पूरी, और लिखो कि p1 के पास p+1 पॉइंट है, फिर डेल्टा ले लो ऐसा। ओके, अब एक चीज़ और लेट करते हैं लास्ट, वो है p स्टार। जी p स्टार जो है ना, ये मान लेते हैं कि जी ये p यूनियन p1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक नया नई पार्टीशन बन गया, यानी कि नई रिफाइनमेंट बन गई। इसको बोल दिया उन्होंने कि बी द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ p एंड p1। ये p और p1 की कॉमन रिफाइनमेंट है, हैविंग एट मोस्ट p-1 एडिशनल पॉइंट। अब ये p-1 एडिशनल पॉइंट्स का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे पॉइंट्स किससे, देन p से p-1 एडिशनल पॉइंट है। देखो यहाँ सिंपल सी बात है ना, देखो p यूनियन p1 कर रहे हो, p1 में टोटल कितने पॉइंट है, p+1, और p के पास कितने पॉइंट है, p, तो टोटल यूनियन करोगे तो टोटल पॉइंट कितने आएंगे, आप कहोगे सर p+1 ही रहेंगे ना, p इसके पास p पॉइंट है, इसके पास p+1 पॉइंट है, यूनियन कर रहे हो कितने पॉइंट आए, इतने। अब इसमें से आपके दो कॉमन पॉइंट हैं, वो कौन से, a और b, पहला और लास्ट पॉइंट, क्योंकि किस बात, पार्टीशन की बात कर रहे हो ना, a और b की। इस पार्टीशन में a और b तो कॉमन पॉइंट हैं, तो ये दो कॉमन पॉइंट को, कितने पॉइंट है, दो, इसमें से अगर आप इसको 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, p-1। एडिशनल नाम लिखा उसने, एक्स्ट्रा, तो a और b तो भाई दोनों होंगे ही होंगे ना, तो उनको छोड़ के एडिशनल पॉइंट कितने होंगे, p-1 एडिशनल पॉइंट होंगे, किसके पास, p स्टार के पास। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब दोस्तों, आपने एक थ्योरम की थी पीछे, उस थ्योरम के आपको शायद रिजल्ट याद होंगे। उन थ्योरम में ना अपने पास ये रिजल्ट थे, इसको मैं एक अलग से, इसको आप, आई कैन यूज़ द अनदर इंक, ताकि आपको थोड़ा देखो, वो जो थ्योरम थी, एक थ्योरम में ना आपने, सॉरी ओके, एक थ्योरम थी आपके पास, उसके अंदर हमने ये रिज़ल्ट लिखा था कि जो UFP' होता है ना, यानी कि रिफाइनमेंट वाला, वो हमेशा छोटा रहता है अपर सम्स, किससे, अपने सिंपल पार्टीशन से, UFP से हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। और फिर इसी कई ही नेक्स्ट थ्योरम उन्होंने बना दी, और नेक्स्ट थ्योरम में उन्होंने बोला कि जी अगर आप किसी रिफाइनमेंट के पास P पॉइंट और हों P से, ठीक है, इफ़ कंटेनिंग P पॉइंट मोर देन P देन व्हाट विल हैपन। तो पिछली ये ऑलरेडी हम थ्योरी में कर चुके हैं, आप पिछले लेक्चर्स मेरे आप देख सकते हो रियल एनालिसिस के, उसमें बोला गया कि उस केस में ना जो यूएफपी होगा ये दोस्तों बड़ा रहेगा, ध्यान देना यूएफपी बड़ा होगा किससे, अपने यूएफपी डैश। ये तो आप सिंपल सी बात है, यही तो सेम सेंटेंस लिखा है, कुछ चेंज नहीं किया, बट ये छोटा हो सकता है दिस वन, सॉरी ये बड़ा हो सकता है अगर मैं क्या करूं इस यूएफपी में से -2p के डेल्टा कर दूं। ओके, यानी कि जो रिफाइनमेंट होती है वो छोटी होती है, रिफाइनमेंट है छोटी है, बट रिफाइनमेंट बड़ी हो सकती है इससे अगर इसमें से कुछ पॉइंट निकाल दो। और कितने निकालो, इतने पॉइंट 2p के डेल्टा, और p क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देन p। अब ये ही चीज़ हम यूज़ करेंगे हमारी इस वाली थ्योरम में, ठीक है। इसको आप अलग फ्रेम देके मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि दिस वाज द प्रीवियस वर्क एक्चुअली, सो वी विल यूज दिस थ्योरम, रिजल्ट ऑफ दिस थ्योरम। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। तो अब हमने पास p स्टार है, यानी कि ये रिफाइनमेंट का काम कर रही है, तो इसको अब उस थ्योरम के रिजल्ट से लिखता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये तो है यूएफपी सिंपल वाला, एम राइट, यूएफपी। इस यूएफपी में से अगर मैं -2p के डेल्टा थे तो इस बार लिखोगे p-1, क्योंकि इतने एडिशनल पॉइंट हैं, p-1 के एंड डेल्टा, ये क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू होंगे किससे, अपने रिफाइनमेंट से 2p स्टार, और ये लेस देन इक्वल टू होंगे uf p1 से। आप यहाँ p लिखो या p1 लिखो, एक ही बात है, यहाँ p लिख लिया, यहाँ p, देखो p1 भी क्या है, ये रिफाइनमेंट p1 की भी है और p की भी है, दोनों की रिफाइनमेंट है p स्टार। तो यानी कि यहाँ जो आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ p यूज़ कर रहे हो और यहाँ p1 यूज़ कर रहे हो, दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे आप कोई 1 नहीं लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो कि भाई ये तो हम सिर्फ ना इतना लिखना चाहेंगे, ufp ये लिखना चाहेंगे, कोई बात नहीं भाई ufp लिख लो, बट एट द एंड आप ये भी तो लिख सकते हो कि ये uf p1 बनेगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी कॉमन रिफाइनमेंट है, आपको अलग लाइन में लिखना पड़ेगा, एक ही बात है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट नाउ। देखो इससे ये रिफाइनमेंट है, तो रिफाइनमेंट छोटी होती है नॉर्मल पार्टीशन से, ये लिखा था अपने, रिफाइनमेंट छोटी होती है नॉर्मल पार्टीशन से, बट रिफाइनमेंट बड़ी हो सकती है अगर उस नॉर्मल पार्टीशन में से कुछ पॉइंट माइनस कर दो। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है कि ये रिफाइनमेंट बड़ी हो सकती है अगर इसमें से कुछ पॉइंट माइनस कर दूं। तो ये अपनी मेन लाइन बन गई है। सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना था जो हम भूल गए। चलिए दोस्तों, अब आपकी थ्योरम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। इस पूरी इक्वेशन का आप यूज़ करते हैं, जल्दी से इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, uf p -2 p-1 एंड k एंड डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू uf p, p स्टार एंड लेस देन इक्वल टू uf p1। ओके, नाउ ये आप प्रूव कर चुके जो ufp है ना दोस्तों, ये लेस देन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट, कि ये लेस देन होता है किससे, अपने अपर इंटीग्रल f dx + ε/2। ये आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में आप लिख चुके हो, ये रहा, सॉरी यहाँ ε/2 लेना था मैंने ना, सॉरी। तो ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में लेट किया था और यहाँ पे आपने इसको जाके प्लेस कर दिया। क्लियर हुई यहाँ बात? अब इस पूरी स्टेटमेंट से ना इसको यहाँ से हटा दो, तो आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये दिख रहा है जी ufp, ये वाला ufp विच इज़ लेस देन, इस 2p के को उधर ले जा रहा हूँ मैं, a to b बार f dx + ε/2 एंड प्लस 2 p minus 1 into k into delta. Am I right here? p minus 1 into k into delta. Now what is the value of delta? You can replace here value of delta. तो ये बनेगा अगले स्टेप में प्लस 2 p माइनस 1 इंटू में k इंटू डेल्टा. डेल्टा हमने लेट किया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, इसको लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. व्हाट वाज द डेल्टा? डेल्टा की वैल्यू थी ये दोस्तों एप्साइलन बाय 4k इंटू पी माइनस 1. इसको आप रिप्लेस कीजिए एप्साइलन बाय 4k इंटू पी माइनस 1. अब ये p माइनस 1 इससे कैंसिल हो रहा है, k आपका इससे कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, तो ये बच गया क्या एप्सिलॉन बाई 2. ओके, तो एट द एंड यू कैन सी, देखो यहाँ पे क्या बच, इस पूरे का रिजल्ट आ रहा है. तो ये आपके पास बन रहा है कुछ ऐसा दैट एम्प्लाइज यू एफ पी इज लेस देन ए टू बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2. तो ऑलरेडी था वो जो प्लस वाली स्टेटमेंट बनी वो भी एप्सिलॉन बाई 2 बन गई. और ये पूरे रिजल्ट को अगर मैं अच्छे से देखूँ तो ये मुझे मिल रहा है एफ डी एक्स प्लस एप्साइलन, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. ओके, तो देखो थ्योरम बड़ी ही इजी है. देखो आपको याद क्या रखना है दोस्तों, सबसे पहले देखो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है. रिजल्ट प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले यही मानोगे कि एफ हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है तो लेस देन इक्वल टू के होगा. फिर आप मानो कि जी ये अगर बाउंडेड फंक्शन है तो ये जो a टू b बार जिसको हम GLB ऑफ अपर सम्स बोलते हैं ये होगा, और इसका कोई P1 पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा, और P1 पार्टीशन के लिए ये थ्योरम ट्रू होगी. ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन दिया हमें एप्सिलॉन बाई 2 ले लेना, बस ये ट्रू होगी थ्योरम. फिर एक डेल्टा मान लेना है कि डेल्टा ऐसा होगा, और फिर आप बोलोगे कि जी एक पी स्टार ऐसा पार्टीशन होगा जो कि इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट होगी, और उसमें पी माइनस 1 एडिशनल पॉइंट होंगे, बस. और उसके बाद ये लाइन आपको पिछली वाली थ्योरमों से याद आ जाएगी, यू एफ पी माइनस 2 पी माइनस 1 के, और लास्ट पे आपको डेल्टा की वैल्यू रिप्लेस करनी है. इसकी वैल्यू आप यहाँ से उठा के ये पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 वाली, और डेल्टा की वैल्यू आप ये रिप्लेस करोगे, तो अपने आप कट कटा के सब कुछ कैसा बचेगा, यही बचेगा जो आपको प्रूव करना था. ओके, इसका सेकंड पार्ट दोस्तों आई होप सो कि आप इजीली अपने आप कर लोगे, बिकॉज बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं है. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.